सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने संबंधी प्रस्ताव को विधानसभा से पारित होने पर रांची में सरना समुदाय के लोगों में जश्न का माहौल बना हुआ है। समुदाय के लोगों ने मेन रोड पर विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सभी लोग ढोल और मदार की थाप पर नाचते गाते दिखे। इस दौरान उन्होंने आतिशबाजी भी की। देखिए आज ये ना सिर्फ झारखंड के आदिवासियों के लिए बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। एक मिसाल कायम हुई है कि देश के किसी भी झारखंड के विशेष सत्र बुला के आदिवासी धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। झारखंड सरकार ने अनुशंसा की है और हम लोग आशावान हैं कि ये केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा ये स्वीकृत हो जाए। वैसे बेहतर तो ये होता कि आदिवासी ऑब्लिक जो सरना कोर्ट की ही जो जिस तरह से प्रस्ताव पहले संकल्प में आया था अगर उसी रूप में ही जाता तो उसकी संभावना कहीं ज़्यादा थी, मगर संघर्ष हमारा जारी है और हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। इसके लिए हम लोग कृत संकल्प है। अभी चरणबद्ध तरीके से ये हमने एक पहला पावदान हमने अपना पूरा किया है। अभी आगे हमारी जंग बाकी है और हम लोग उसके लिए आगे बढ़ के काम करेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से विधानसभा जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के जो आदिवासियों का जो आदिवासी धर्म कोड का जो मांग है उसमें निश्चित रूप में उन लोगों ने एक बल दिया। ये झारखंड से एक अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से ये पूरे देश का मामला है, 28-29 राज्यों का मामला है, लेकिन हम कहेंगे कि एक कदम हम आगे बढ़े और हम लोग निश्चित रूप से पूरे देश के आदिवासी जो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से पूरे देश के आदिवासी जो है 6 दिसंबर को रायपुर में हम लोग बैठ रहे हैं और पूरे देश स्तर पर हम लोग प्रत्येक राज्यों में धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से ये हम लोग मांग करेंगे कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा ने पारित किया है आदिवासी धर्म सरना धर्म का, उसी तरह से हर विधानसभा जो है पारित करे ताकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय आदिवासी धर्म कोड देने के स्थिति में पहुँच जाए, ऐसा हम लोग जो है मांग कर रहे हैं और ये एक पहला कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। सरना कोड धर्म को यहाँ से विधेयक में पास कराकर केंद्र को भेजना के काम किया, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? ऐसा है माननीय सुरेंद्र जी, हेमंत सोरेन एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है, उन्होंने जैसे ही शपथ लिया था इस झारखंड प्रदेश को अलग करने के लिए माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन बहुत जद्दोजहद से उन्होंने लड़ाई की कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़े वर्ग को जो अभी तक शोषण हो रहा है उनका अधिकार नहीं मिला है उसको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ाई लड़ी और यहाँ जो माननीय हेमंत सोरेन ने जो काम किया आज अपने विशेष सत्र बुला करके सरना आदिवासी धर्म का कोड के लिए केंद्र सरकार को यहाँ से पारित करके भेजने का काम किए हैं, निश्चित तौर से वो लोगों को एक विश्वास लगा है कि हम लोग को ये अधिकार मिलेगा। हम आशा और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाला समय आदिवासी धरना का जो कोड आया है ये झारखंड प्रदेश से नहीं पूरे देश में लागू होने का काम है। कितना पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।